पहली बात, ट्रस्ट के लिए आपने पढ़ा कि ए की वैल्यू कितनी होती है? ट्रस्ट के दोनों पॉइंट पे क्या होता है? फिन होती है ना, पिन और हिंज, वन तो वैल्यू ऑफ के इज वन। तो ट्रस मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ डबल एंगल्स अलोंग विद द गजर प्लेट इज शोन इन द फिगर 3.18। वो कहता है ऐसे होगा डबल एंगल अगर ट्रस में बनाए तो, कि ये एक एंगल होगा, ये दूसरे दरमियान में गजर प्लेट होगी 10 मिलीमीटर थिक। इसमें शो करते हैं एस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये भी एक लेग है, ये भी एक है, दोनों इक्वल लेग है, तो ए ये होगी, ये सेम जो लेग ये लेंथ होगी वही ये होगी, उनका डबल एंगल है। दिस इज ए, टोटल इज बी। बी कैसे आएगा? 2a+s, 2a+s एंड h इज द हाइट ऑफ अदर लेग, हाइट ऑफ अदर लेग। ठीक हो गया। अच्छा अब ट्रस मेंबर करना है तो हमें यहाँ पे जब पता चल गया कि k की वैल्यू 1 है, इसको मतलब एल यू एल के बराबर होगा। क्या ख्याल है? एल यू क्या होती है? अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल टू k टाइम्स एल एन, ऐसे पढ़ते हैं ना, k की वैल्यू 1 है, एल एन आर एल, तो k की वैल्यू 1 है तो एल यू एल के बराबर हो जाएगा। वाजे हो गया तक बात? अगली बात, उसने यहाँ पर कोई भी नहीं कहा कि जी ब्रेसिंग प्रोवाइड, ट्रस में ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं की भी, तो इसलिए लिख दे एज देयर इज नो ब्रेसिंग बिटवीन द जॉइंट्स। अगर ब्रेसिंग होती तो फिर ये एल यू चेंज हो जाता है, फिर हमें बिटवीन द ब्रेसिंग एलिमेंट लेना पड़ता है। अभी हम बिटवीन द स्पोर्ट्स ले रहे हैं। अब हम फैक्टर लोड निकाल लेते हैं। फैक्टर लोड पी यू कैसे निकालेंगे? 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइफ, 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइफ एंड वी गॉट 356 किलो न्यूटन। क्लियर? यहाँ तक मसला है? सर टीयू में सर नो फैक्टर सर। लगाते हैं, जी टीयू में सर फैक्टर लगाते होते हैं सर। ठीक बेटा, एल आर एफ डी कर रहे हैं, एएसडी तो नहीं कर रहे। ठीक सर। एल आर एफ डी जब डिजाइन करेंगे तो 1.2 डेड के साथ 1.6 लाइफ के साथ फैक्टर रोड यस निकाल। सर, यस सर, यही आंसर है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब डबल एंगल किसने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज बताई है कि डबल एंगल सेक्शन कैसे होता है? कहता है द सेक्शन विल बी इकोनॉमिकल इफ इट हैज नियरली सेम स्लेंडरनेस रेशियो इन बोथ डायरेक्शन। कहता है आपका सेक्शन तब इकोनॉमिकल होगा अगर स्लेंडरनेस रेशियो दोनों डायरेक्शन में तकरीबन क्या हो? एक जैसी हो। तकरीबन क्या हो? एक जैसी हो। अब क्योंकि आपकी एल यू एक्स डायरेक्शन में, वाई दोनों में सेम है, बिकॉज रीजन क्या सेम होने की कि उसके अंदर कोई ब्रेसिंग प्रोवाइड नहीं की हुई, सेम है। तो अगर हमें ऐसा मिल जाए सेक्शन जिसका आर एक्स और आर वाई भी सेम हो, करीब करीब हो, तो हमें क्या देगा? इकोनॉमिकल रिजल्ट देगा। क्या ख्याल है? क्योंकि हमें के एल और आर दोनों डायरेक्शन में चेक करनी है, एल सेम है, के सेम है, तो आर भी सेम हो, फिर हमारे रिजल्ट ज्यादा इकोनॉमिकल होंगे बोथ डायरेक्शन। दिस मीन्स दैट आर एक्स एंड आर वाई शुड नियरली बी सेम एज द लेंथ फॉर बोथ डायरेक्शन इज इक्वल। अच्छा, अगर लेंथ इक्वल ना होती तो फिर हम ये ना कहते कि दोनों सेम हो, हम कहते स्लेंडरनेस रेशियो सेम हो दोनों डायरेक्शन की, ये इकोनॉमिकल रिजल्ट है। दोनों डायरेक्शन में स्लेंडरनेस रेशियो सेम हो। द रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स फॉर द डबल एंगल सेक्शन विल बी सेम एज दैट फॉर सिंगल एंगल। ये देखें, ये अगर हमारे पास डबल एंगल सेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस सिंगल है या डबल है सेम रहता तो आर एक्स डबल का भी सेम रहेगा, लेकिन आर वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में टेंशन मेंबर में किया भी था। तो लिखा यस था सर, रेट ऑफ जनरेशन आर एक्स फॉर द डबल एंगल सेक्शन विल बी सेम एज दैट फॉर द सिंगल एंगल सेक्शन। द रेडियस ऑफ जनरेशन आर वाई फॉर द डबल सेक्शन विल बी कंसिडरेबली हायर देन फॉर अ सिंगल सेक्शन, ज्यादा होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन करनी पड़ेगी, प्लस ए डी स्क्वेयर करना पड़ेगा आई निकाल के, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करेंगे फिर उससे रेट ऑफ जनरेशन निकालेंगे। From the above facts, it is clear that to make R same in both directions, unequal leg angles are to be used with the longer legs connected together. हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं? हमने पहली बात की कि हमें ऐसा चाहिए जिसका आर एक्स आर वाई क्या हो, सेम हो। अगर सिंगल एंगल कर रहे हो फिर तो हम ऐसा सेक्शन ले लेंगे जिसका आर एक्स आर वाई सेम है, लेकिन जब डबल एंगल करते हैं तो सिलेक्ट तो एक ही एंगल कर रहे थे ना, उसको डबल प्रोवाइड करते हैं, हमें ही पता चल गया जो आर एक्स है वो तो चेंज नहीं होता डबल में भी, आर वाई चेंज हो जाता है। डबल सेक्शन का जो आर वाई होता है वो ज्यादा होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। वो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा सेक्शन लें जो अनइक्वल लेग हो, इक्वल लेग लेंगे तो आर एक्स आर वाई सेम होगा, जब सेम होगा
तो जब हम उसको डबल एंगल पे लेके जाएंगे तो वेरी कर जाएंगे, आर वाई ज्यादा हो जाएगा, आर एक्स कम, स्लैंडरनेस रेशियो अल्टीमेटली दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाएगी। इकोनॉमिकल होने के लिए तो जरूरी क्या है कि ये पहली लाइन हैज नियरली सेम स्लैंडरनेस रेशियो। स्लैंडरनेस रेशियो अगर सेम हो तो इकोनॉमिकल है। हम डबल एंगल की स्लैंडरनेस रेशियो सेम करना चाहते हैं तो इसलिए अनइक्वल एंगल यूज कर लें, डबल एंगल तो ज्यादा बेहतर है। द प्रोजेक्टिंग लेग शुड बी रिलेटिवली स्मॉलर, जो बाहर निकल रहे छोटी होगी, जो ज्वाइंट कर रहे हैं दूसरे को मिला रहे हैं लेग्स, कनेक्टेड लेग्स हैं, ये बड़ी होंगी ताकि ये जब बड़ी है तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। वाजे अभी कुछ बात करनी है, इसलिए जो हमारे पास टेबल थी ना जिसमें मैंने कहा था कि कॉलम सेक्शन टेबल्स जब बनी हुई थी जिसमें हमने कहा पढ़ाया भी था कि हमारे पास ये इजी अप्रोच है टू सिलेक्ट द सेक्शन ट्रायल सेक्शन, उसमें उसने जितने भी डबल एंगल सेक्शन दिए हैं सारे अनइक्वल लेग दिए, कोई एक भी डबल एंगल उसने इक्वल लेग नहीं दी प्रोवाइड किया होगा। हम जब जाएंगे टेबल में हमें देखेंगे जज भी हो जाएगा। अब हम ये तो उसने एक हमें बेस बना दी है कि डबल एंगल करना है तो सबसे बेहतर क्या, अगर आप कॉलम सेक्शन टेबल यूज कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर रहे आप ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर करना चाहते हैं तो भी आप अनइक्वल लेग एंगल सेलेक्ट करें, इक्वल लेग एंगल सेलेक्ट ना करें, और अनइक्वल लेग में भी जो लॉन्गर लेग है उसको कनेक्ट करा दें, जो शॉर्टर लेग है उसको प्रोजेक्ट करवा दें। आप देखें पीयू 356 किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, के एल यू हमने कहा था एल एल यू के बराबर है, एल कितना था हमें दिया हुआ सवाल में 3.4 मीटर, ये लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू 3.4 मीटर। तो जब 3.4 मीटर तो के एल यू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन 3.4, के वैल्यू ऑफ के इज 1, तो एल यू 3.4 मीटर, हमारे पास कोई चेंज नहीं है। क्लियर होगी बात, के एल यू निकाल लिया हमने। अब आपने पढ़ा है कि डबल एंगल सेक्शन के लिए कितना आर एज्यूम करते हैं स्टार्ट में कंप्रेशन में डिजाइन करने के लिए। हाँ जी, आपके डिजाइन एड में भी लिखे होंगे सर, यही बताया था 90 बताया था। ये देख रहे हैं आप जरा, ये सारे फार्मूले में नोन है, ये 69 नंबर फार्मूला देख रहे हैं, ये आपने अभी लास्ट में आपको डिजाइन पढ़ाया है फॉरगेटेड शीट का, उसमें सारा उसमें है, यहाँ पे अवेलेबल है डिजाइन एड, ये डिजाइन एड खुला हुआ। डिजाइन एड में ये नहीं दिया हुआ कि आपने आर एज्यूम कितना लेना है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में नहीं, अगर है तो आप देख रहे अपने पास, कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, बीम के फार्मूले स्टार्ट हो गए नहीं है इसमें, अगर है किसी डिजाइन एड में तो देख ले, मेरे मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता हमने थ्योरी में किताब बुक में ही होगा सर, बुक में तो है, बुक में ही होगा सर, बुक में तो है। अजय मतलब बुक तो आप एग्जाम में नहीं लेके जाते ना, सर पेज नंबर 78 सर, 78 बुक का सर, और डबल एंगल 90 के लिए। नंबर 78 आ गया बुक का, इसमें लिखा है कि फॉर सिंगल एंगल वन, फॉर डबल एंगल और डब्ल्यू सेक्शन दोनों के लिए, डब्ल्यू के लिए भी 90 लेते हैं, ठीक है। सिंगल एंगल के लिए कितना लेते हैं, 125 लेते हैं, ये अब आपको मेमोराइज करना फ्लो चार्ट में, ये फ्लो चार्ट में किया हुआ है, ठीक है।
अब हमने ले लिया कि आर अज्यूम इज 90, समझ आ गया कहां से आर अज्यूम 90? यस सर। जब आर अज्यूम आ जाएगा तो अब हम इस आर से क्या निकालेंगे, फी सी एफ सी आर अज्यूम निकालेंगे, ऐसे करेंगे। वो कहां से निकालेंगे, डिजाइन एड से, फी सी एफ सी आर अज्यूम। तो कौन से पेज पे है डिजाइन एड में, 100 डिजाइन स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन मेंबर्स ऑफ 250 मेगापास्कल स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब आप यहां पे देखें के एल ओवर आर, आर इज बेसिकली के एल ओवर आर इज 90, वेयर इज 90, 70 आ गया, यहां पे 70 के बाद ये आ गया 90, देख रहे हैं जी ये 90 आ गया, क्लियर। अब इसमें कौन सा कॉलम फी सी एफ सी आर का, ये फी सी एफ सी आर मेगा पास्कल में, इसमें अगर देखें अगेंस्ट 90 वैल्यू 146.46 मेगा पास्कल, क्लियर होगी बात। यस सर। 146.46 मेगा पास्कल, देख इसने कितना लिया, फी सी एफ सी आर अज्यूम्ड इज 146.46 मेगा पास्कल, क्लियर। Once you got R assumed, you calculate PCFCR assumed. Based on PCFCR, you can calculate area required for double angle section. क्यों double angle लिखा है? क्योंकि हम double angle design करना चाह रहे हैं। तो PU over PCFCR assumed, यही formula था ना A required का, PU over PCFCR assumed. अब PU हमारे पास है 356 किलो न्यूटन, इसको हजार से रब दे दिया, you convert into newton because this is mega pascal, newton per millimeter square. तो ये हमारे पास यूनिट कंसिस्टेंट हो जाएंगे, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा एंड वी गॉट एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर, वी गॉट 2431 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस एरिया रिक्वायर्ड इज फॉर डबल एंगल सेक्शन, क्लियर। अब क्योंकि अगर हम ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर करते हैं, ट्रायल एंड एरर, तो हम तो सिंगल एंगल को पहले सिलेक्ट करते हैं ना, जहाँ आपने पहले ही पढ़ा कि डबल चैनल हो, बैक टू बैक, फेस टू फेस, तो हम एरिया रिक्वायर्ड को हाफ करते हैं फॉर सिंगल सेक्शन। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिंगल एंगल, ये बेटा म्यूट पे कर दें जिसका भी शोर आ रहा है प्लीज। एरिया रिक्वायर्ड फॉर सिंगल एंगल बिकम्स 21216, क्या किया हमने, सिर्फ इसको 2431 को दो पे डिवाइड कर दिया, वी गॉट 1215.5, इट इज 1216 मिलीमीटर स्क्वायर। बी मिनिमम ने पढ़ा हुआ है क्योंकि उसने हमें कहा था कि जो स्टे प्लेट है वो क्या है, बोल्टेड है, स्टे प्लेट क्या है, बोल्टेड है, वेल्डेड नहीं है। तो बी में हम कैसे निकालेंगे, 2.5d प्लस 16। अब हमें क्योंकि डायमीटर ऑफ रिवेट नहीं पता, तो हमने कंप्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें डायमीटर ऑफ रिवेट या बोल्ट ना पता हो तो स्टार्ट में कितना ज्यूम करते हैं डायमीटर, 15 मिलीमीटर, ये थ्योरी में मैंने पढ़ाया आपको। तो अब जब हमने 15 मिलीमीटर डी के लिए यूज किया, वी गॉट 54 मिलीमीटर। अब यहाँ पे लिख रहा है कि सिलेक्ट सेक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन, क्या A selected should be approximately equal to A required minimum weight section and B should be greater than B minimum. Clear हो गया तक बात, को मसला है? सर जो double angle section जो होती है ना, double angle, इसके एक leg में आप connection कर, दूसरी में नहीं कर रहे होते, इसलिए इसने 2.5D plus 16 use किया, 3.25D plus 18 use नहीं किया। आप क्या कर रहे हो A required का? जी फरीद सर जी, ये ए रिक्वायर्ड का जो आंसर है वो 2428.37 सर, ये सही है सर, फिर जो इधर 2431 mm स्क्वायर लिखा हो, 2428.37 आता है। यस सर, मैंने भी कैलकुलेटर से करके देखा, इसी वैल्यू से सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप वो चेंज करना अगर है तो, कोई इशू नहीं है, आप चेंज कर लें। इन्होंने 31 mm स्क्वायर लिखा हुआ सर, नहीं भाई 2430.69 आता है, ठीक लिखा भाई, 2430.69 आता है। दोबारा कर लेता हूँ सर, मैंने किया दो तीन दफा। कर लें, क्रॉस चेक कर लें, और कोई बच्चे कर ले, मैंने किया ना, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 2430.69 यही आ रहा सर, ठीक है बेटा, ठीक लिखा है, यही आता है। ओके,
अब हम यहाँ पे इसने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल मेंशन की हैं, इसने ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर किया है। पहले पहले तो कौन सा मेथड है आपके यहाँ पर? ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल एंड एरर में जब हम जाते हैं तो देखिए उसने कहा कि जब हम कैसे यूज करेंगे डबल एंगल सेक्शन, डिफरेंट ऑप्शन। हमारा एरिया कितना रिक्वायर है सिंगल एंगल के लिए? 1216। अब मैं ट्रायल एंड एरर पे अगर जाता हूँ तो ये मेरे ट्रायल एंड एरर है एंगल सेक्शन स्टार्ट में। W आ गया। मैस से HP एंगल सेक्शंस में सबसे एंड वाले सेक्शन टेबल पे जाएंगे। इसका व्यू चेंज कर लेते हैं। अच्छा अब देखें, पहली बात तो हमें बी में हम कितना चाहिए? 54। 54 से छोटा सेक्शन तो ले नहीं सकते सिंपली। 54 ये अच्छा चलिए यहाँ पे आ सकते हैं। 54 बाय 54 ये भी नहीं, 64 बाय 64 डबल एंगल इक्वल लगे, इसको भी छोड़ दे। यहाँ पे एरिया कितना रिक्वायर है हमें सिंगल एंगल के लिए? 1216। ऐसे है ना, देखिए जी एरिया रिक्वायर्ड ए कहाँ पे होता है? यहाँ पे ये एरिया 1216, 1450 है यहाँ पे, और वेट उसका 12.7, थिकनेस है, थिकनेस कितना? 11.5 kg वेट है। ठीक है, अगर ऊपर आ जाएं 1216, ये 1240, ये एक ऑप्शन हो सकती थी हमारे पास। 76 बाय 64 9.1, इसका वेट कितना? 9.8 kg। उस पर आ जाए 1360, इसका वेट 10.7 है, इसको छोड़ दें। आ जाए 1260, यहाँ पे 1360 है, ठीक है, इसका वेट 10.7 kg। फिर 1216 पे जाए तो 1250, ये देखें, अगर ये लें 9.8 kg वेट है, 89 बाय 76 बाय 7.9, एक ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर आ जाए 1350, 89 बाय 89 7.9, इससे बेहतर क्या है? ये वाला ले 89 बाय 76 लें, 89 बाय 89 ना लें, इक्वल लेग नहीं लेना चाहिए डबल एंगल में, सिंगल एंगल। फिर ऊपर चले जाए, इसी तरीके ने हम ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर से हम यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस ले सकते हैं लेना चाहें तो, लेकिन कॉलम सेक्शन डिजाइन करते हुए हम अवॉइड करते हैं ट्रायल एंड एरर पे। अगर हमें डबल एंगल करना है, सिंगल एंगल करना है, डब्ल्यू करना है, तो हम बेहतर है कॉलम सेक्शन टेबल पर चले जाए। यहाँ पे सर ने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं कि जी डबल एंगल का एरिया, ये डबल करके लिखा है जो एरिया बुक में है ना, उसका डबल करके लिखा है कि जी 89 बाय 89 बाय 7.9, 102 बाय 76 बाय 7.9, 102 बाय 76 बाय 9.5, थोड़ा सा ऊपर वाला। एनी वन आउट ऑफ द फर्स्ट टू ऑप्शंस मे बी ट्राइड फर्स्ट। वो कहते हैं पहले दो में से कोई एक ऑप्शन को पहले ट्राई कर लें, क्योंकि दोनों की थिकनेस सेम है, ये अनइक्वल है, ये इक्वल लेग है, इक्वल लेग है, ये अनइक्वल लेग है, लेकिन 102 क्षेत्र, ये 89 बाय 89 है। हाउएवर calculation shows that these sections are not sufficient with only the third section closer to the recovery। सर ने बक calculation back end पे करके mention, सर ने कहा अब आप यहाँ पे trial run करें, लाजमी बात है, अब हम ये तो नहीं कह सकते directly यार ये नहीं select होगा, कोई judgment नहीं है हमारे पास। calculations करने के बाद पता चलेगा कि ये select होता है या इसके सारे check satisfy होते हैं या नहीं होते। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ेंगे, पहले इस पे काम करेंगे ये नॉट ओके हो जाएगा, फिर इस पे काम शुरू, फिर ये भी नॉट ओके हो जाएगा, फिर इस पर काम शुरू करेंगे। सर ने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कैलकुलेशन शोज दैट दिस सेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट विद ओनली द थर्ड सेक्शन क्लोजर टू द रिक्वायरमेंट, द नंबर ऑफ ट्रायल्स मे बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉलम सिलेक्शन टेबल। ये सिर्फ एक डेमो दिया है कि अगर आप ट्रायल एरर में जाएं तो नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली कंप्रेशन मेंबर में, इससे बेहतर क्या आप क्या करें कॉलम सिलेक्शन टेबल्स यूज कर लें। अब अगर हम कॉलम सिलेक्शन टेबल यूज करें तो बुक में ये अपना डिजाइन एड में कहाँ पे है कॉलम सिलेक्शन टेबल, पेज नंबर है याद किसी को? सर ये अभी देखते हैं सर।
कॉलम के सर जो डिफरेंट वो बने हुए हिंज फिक्स्ड थ्योरेटिकल के और उसका डिजाइन के। कॉलम सिलेक्शन टेबल जो मैंने लास्ट में आपको थ्योरी पढ़ाते समझाई भी थी। जी आ गई देखना ये क्या लिखा है W-shaped columns, double section, ये W column, हमने double angle देखना है फिलहाल। W खत्म होगा पहले, ये W 250 वाला है, फिर 345 वाला आएगा एंड पे, फिर कॉलम सेक्शन में डबल एंगल, डबल एंगल, दिस इज डबल एंगल, डबल एंगल शेप कॉलम 250 मेगापास्कल। यहाँ पे देखें सर ने मेंशन किया लॉन्ग लेग्स 10 मिलीमीटर बैक टू बैक ऑफ एंगल, देखें 10 मिलीमीटर के साथ लॉन्ग लेग को जोड़ा हुआ, देखें शॉर्ट लेग को नहीं जोड़ा हुआ, हमने भी ये पढ़ा है कि लॉन्ग लेग को जोड़ना। अब मैंने आपको कहा था कि आप जब कॉलम सेक्शन टेबल में जाएंगे आपको कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो इक्वल लेग हो, देख रहे हैं यहाँ पे 203-152, 203-102 सेम साइज नहीं, क्लियर, कुछ बात वाजे हुई है। अब इसमें ट्रायल का तरीका क्या था, मैंने आपको समझाया इसमें ट्रायल लगाने का तरीका क्या है, ये सारा डबल एंगल ही है ना। नहीं, हमें क्या करना था, अपनी फोर्स को तलाश करना होता है, अपनी फोर्स को, हमारी फोर्स कितनी है 356 किलो न्यूटन, हमें पीयू 356 रिक्वायर है, हमारी अगर फीसी पीएन 356 से ज्यादा आ जाती है तो हम कहेंगे ओके, 356 से ज्यादा आ जाते हैं हम क्या कहेंगे के ओके, बात वाजे हो रही है कि नहीं, फीसी पीएन निकालनी होती है ना हमने एंड पे, कंप्रेशन कैपेसिटी, अगर वो कैपेसिटी आपकी फैक्टर लोड से ज्यादा है तो हम कहते हैं सेफ है, अदरवाइज अनसेफ है। तो इसकी जो सेटिंग होती है किसकी बेस पे होती है, फीसीपीएन की बेस पे होती है, फीसीपीएन की बेस पे, बस ये होगी बात करनी। अब देखें यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, अब हम टेबल पे जा रहे हैं, कॉलम सेक्शन टेबल कितना था हमारे पास 356, ढूंढें जी 356, ये सारे देखें ये वैल्यू सारी ये 356 की, इसमें देखें कहाँ मिलते हैं, पहले तो हम ये डबल एंगल का एंड आ गया ना, एंड एंड पर आए तो उसने पहले सेक्शन दिए हैं 64-51, 76-51, अब ये 51 है ना लेग 51, हमें लॉन्गर लेग को जोड़ना, ठीक है लॉन्गर लेग में ये है हमारे पास, ये हो सकता है, इनमें से आप तलाश करना शुरू कर दे, 356 देखें जी कहीं है 356, अच्छा उस वक्त ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें कैसे देखना है 3.4 के एक्स एल यू एक्स, के एल यू 3.4 है ना, उसके करस्पॉन्डिंग देखना है, इन पे नहीं देखना, ये तो देखें जितना शॉर्ट हो जाएगा कॉलम उतना उसकी कंप्रेशन कैपेसिटी बढ़ती है, बिकॉज सिलेंडर रेशियो पे डिपेंड करता है ना। हम ये देखें यहाँ पे आए, पहली पहली चीज देखिए एक्स एक्स एक्सिस, इसमें ये दिया है कि किसकी वैल्यू दी हुई है, ये जरा पढ़ लें यहाँ पे, ये लिखा है इफेक्टिव लेंथ के एल इन मीटर विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड एक्सिस, एक्स एक्स में भी दी है, वाई वाई में भी दी है, क्लियर होगी बात, हमारा एक्स एक्स और वाई वाई दोनों सेम है, हमारा एक्स एक्स और वाई वाई दोनों क्या है सेम है, क्योंकि हमारे पास ट्रस हम कर रहे हैं कॉलम नहीं कर रहे। अच्छा अब देखें इसमें हमारे पास 3.5 है और 3.0 भी है, 3.4 नहीं है, अगर मैं 3.0 3.5 में से डाटा इंटरपोलेट कर लूं तो मुझे रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए 3.5 में और 3.0 में क्या फर्क है, रिड्यूस हो रहा है ना कैपेसिटी के, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इसका मतलब देखिए 356 अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 304 पे, अगर मुझे 350 पे मिल जाए तो होप सो क्या हो जाएगा, जब मैं लीनियर इंटरपोलेट करूंगा अगेंस्ट 3.4 वो कैपेसिटी दे देगा। देखिए 3.5 के कहीं पे 350 है कैपेसिटी इस लाइन में, नो सर नहीं है, अगले पेज पे चले जाएं, जाना कहाँ है 3.5 पे, क्योंकि हमारे केयर 3.4 है, देखिए कहीं पे है 356 नहीं है, नहीं है सर, नेक्स्ट पेज पर एक्स एक्सिस पे भी देख लें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये देखिए भाई एग्जैक्ट 356 देखना है एग्जैक्ट, थोड़ा ज्यादा हो जाए थोड़ा कम ना हो, ज्यादा हो सकती कैपेसिटी, ज्यादा हो सकती एरिया कम भी हो सकता है, 495 है सर, 495 3.5 पे,
कहाँ पे? H144 पे, थ्री पॉइंट फाइव पे। ये है ना 495, मैंने खोला हुआ, यस आपको नजर सर, आ रही है डिजाइन एट, यस सर। ये 495। अब देखिए 495 वाला होप सो सेफ रहेगा, 495 ऑलरेडी सेफ है, 300 से अबव है, उससे बेहतर 382 ले लें, ये इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। 324 भी चल जाएगा, 324 को लीनियर इंटरपोलेट कर, हो सकता है कि ये 354 क्रॉस कर जाए, लेकिन चले 382 वाले को ले लेते हैं। अब जो सेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वही सेक्शन वाई एक्सिस पे भी देखना है, कि वाई पे सेव है। अब इसी को देखें, वाई वाई पे जाता है, ये वाई वाई पे, ये 377, 448, तो ये वाई वाई पे भी सेव है, ऐसे है ना, वाई वाई पे भी सेफ यस नजर आ सर, रहा है। देखें इसको, सेक्शन कौन सा है, इस 102 बाय 76 बाय 9.5, क्या ख्याल, यही है ना, 102 बाय 76 बाय यस सर, 9.5, ये सेक्शन आ जाए जी ट्रायल में। पहला देख क्या लिया है, यही लिया पहला 102 76 बाय 9.5, नजर आ रहा है। कुछ यस आइडिया सर, हो गया कि हाउ वी सिलेक्ट फ्रॉम द कॉलम सेक्शन टेबल? पहली ट्रायल हमारी 102 76 9.5 पे आ गई, क्लियर, कोई मसला यस यहां सर, तक? यस अच्छा सर, अच्छा अब हम एक ट्रायल और ले लेते हैं, एक ट्रायल और ले लेते हैं। अब ये सेक्शन और है, ये और है, याद रखिए, ये अलग कॉलम, ये अलग कॉलम है, इसमें भी देख सकते हैं, इस फाइव पे ये जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मजीद ऊपर चले जाते हैं 3.5 पे, 399, 324, हो सकता है ये 399 वाला सेलेक्ट हो जाए वाई वाई में, सर जबकि एक्स ये एक्सिस, एक्स एक एक्सिस में और है कितना, सर, इसके एक्स 345, एक मिनट, एक एक 407, एक 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 मिनट, इसके एक्स एक्सिस में कितना है, 3.5, 556, बहुत ज्यादा सेफ, बहुत ज्यादा, इसमें आ जाए 3.5, 345, 271, 345, ये हो सकता है 345, इसके वाई वाई पे 3.5, 411, ये देखिए ये सेक्शन कौन सा, 102 89 सेंट पर 9, ये ले ले 102, क्योंकि ये वाला कम है, ये उससे हैवी सेक्शन है, 177 है, तो पहले इस ये ट्रायल में आएगा 102 89 सेंट पर 9, सर कौन सा लिया दूसरे ट्रायल, 102 89 9.5 सर ने लिया हुआ, मैंने ट्रायल क्या लिया है 7 point, मैंने लिया है 7.9, सर ने ये वाला 9.5 लिया हुआ है, 9.5 कि थिकनेस सेम हो जाएगी, जो पहला ट्रायल है दूसरा ट्रायल उसकी थिकनेस सेम हो जाएगी, लेकिन आप 7.9 पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 7.9 भी हमें नजर आ रहा है बजाय कि इसकी सेफ 345 है, हमारा कितना 354 है, 356 356 है। अच्छा अब 7.9 को अगर लीनियर इंटरप्रेट करके देखें, मेरे ख्याल में ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए सारा 9.5 दिया, ये सेटिस्फाई नहीं होते कैपेसिटी, 345 है ना लीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा अब पहले मैं लीनियर इंटरपोलेशन का आपको तरीका सिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो गया कि कॉलम सेक्शन टेबल से ट्रायल कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि इस डबल एंगल में एक्स एक्स और वाई वाई दोनों हैं, आपने पहले एक्स एक्स एक्सिस पर देखना सेटिस्फाई होगा, वही सेक्शन देखना क्या वाई वाई पे भी सेटिस्फाई है, अगर सेटिस्फाई है तो लेंगे, अदरवाइज हमारा दोनों पे सेटिस्फाई एट अ टाइम होना चाहिए, साइमल्टेनियस चेकिंग करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर डबल एंगल 102 76 बाय 9.5, हमने पहला ट्रायल ले लिया, उसने कहा इसकी फी सी पी एन जो हमें दी हुई है, फी सी पी एन कितनी दी हुई है, जरा गौर से देखें, ये कर रहे हैं ना 102 76 7.9, ये 9.5, ये वाला कर रहे हैं 102 76 यस 9.5। अच्छा इसमें अगर देखें, जब के एल एक्स की वैल्यू 3.0 है, तो ये 452.8 देता है, 3.5 है तो 382.7 देता है, क्लियर होगी बात, ये हमने अपने टेबल में लिख लिया कि जी, जब के एक्स अगर 3 है 3452.8 देता है, अगर 3.5 है तो 382.7, 382.7, ये डाटा आ गया आपके पास, कोई मसला है यहाँ तक नो टेबल से? सर, अच्छा सिमिलरली वाई वाई पे भी देख लेंगे, वाई वाई पे इसी का, वाई वाई पे ये देखिए, ये वाई वाई आ गया, सॉरी 9.5 कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम, ओके ये 3.0 पे 448.8 एंड 3.5 पे 377.8, क्लियर, ये भी हमने अपने टेबल में लिख लिया, ये भी हमने टेबल में लिख लिया, ये देखिए 3
348.8 एंड 377.8। क्लियर होगी बात, कोई मसला है यहाँ तक? सर ने क्या कि ये के वाई एल वाई के लिए भी किया, जब के वाई एल वाई के लिए निकाला तो के वाई एल वाई फॉर 3.4 के लिए बाय इंटरपोलेशन आता 392। अब देखिए इंडिविजुअली ये 392 356 से ज्यादा कम है, कम है सर यार 392 बड़ा है 356 बड़ा है, 92 बड़ा सर। इसका मतलब PCPN is greater than PU, satisfy हो रहा है, ठीक हो गया। Similarly KXLX ये भी 396.7, it's again greater than 356, it's again greater than, तो दोनों axis पर KXLX पर और KYLY दोनों यानी XX axis पर और YY axis पर हमारे PCPN अगर PU से greater है तो हम कहते हैं इस पर ट्रायल लगा लें, इस पर चेक कर लें। वाजे होगी बात? जब ये हमारे पास पहला ट्रायल सिलेक्ट हो गया 102.76.9.5, अब इसको देखते हैं जरा, कौन सा था सेक्शन, ये 102.76.9.5 ये वाला है, ये कॉलम है। इसके नीचे देखें प्रॉपर्टीज भी दी हुई इसी कॉलम में, नीचे देखें आगे फोर्स एरिया 3206 मिलीमीटर स्क्वायर लिखा है एरिया, ये देख रहे हैं लिख रहा है प्रॉपर्टीज फॉर ऑफ टू एंगल 10 मिलीमीटर बैक टू बैक, ये जो प्रॉपर्टीज हैं डबल एंगल 10 मिलीमीटर बैक टू बैक के लिए कैलकुलेटेड है। बात समझ आ गई? डबल एंगल 10 मिलीमीटर बैक टू बैक के लिए कैलकुलेटेड हैं, तो ये जो एरिया निकाला है उसने एज पर, ये वो नहीं है कि एक सिंगल एंगल का डाटा नहीं है, ये डबल एंगल का डाटा है। किसका ये डबल एंगल का डाटा है, इंटरपोलेट करके बताया है रिजल्ट सारा। वाजे होगी मेरी बात की नहीं? तो अब देखिए एरिया आ गया 3206, आर एक्स 32, आर वाई 33, आर जी 16.4, ठीक है। सिमिलरली इसका बाकी इसने सारा डाटा दिया हुआ है जो जो हमें रिक्वायर होगा फॉर डिफरेंट टेस्ट। सर ने लिख दिया एरिया 3206, हमें कितना रिक्वायर था एरिया डबल एंगल का, डबल एंगल के लिए हमें एरिया कितना चाहिए था, ये तो सिंगल एंगल है, डबल के लिए 2431 चाहिए हमें, हम कितने वाला सिलेक्ट कर रहे हैं 3206, इट्स ग्रेटर देन द ए सिलेक्टेड इज ग्रेटर देन ए रिक्वायर्ड, तो ये भी सेफ हो गया डाटा। अब ये बहुत ज्यादा है लेकिन लाजम बात, अगर हम इसके करीब करीब ढूंढेंगे ना एरिया, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कंप्रेशन मेंबर्स आर नॉट डिजाइंड बेस्ड ऑन द एरिया, दीज आर डिजाइंड बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो बिकॉज बकलिंग इज क्रिटिकल इन द कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर्स आर ऑलवेज डिजाइंड बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया because that is their buckling has no meaning in tension member, tension is only critical in cross sectional area, wahan pe area ko dekhte hain, yahan par area itna bother nahi karta, yahan par slenderness ratio bother karti hai, klx ky lyu bother karti hai, haan ji yahan tak baat wazeh ho gayi, ab sa likh rahe hain hence keeping in view the above values for fully tight stay plates trial section for snug tight stay plates may be डबल एंगल 102.76.9.5। अच्छा ये लिखा फुली टाइट स्टेप प्लेट, उसने पहले क्या दिया था ना कि जो स्टेप प्लेट है बोल्टेड है, सवाल में बताया था ना उसने बोल्टेड स्टेप प्लेट्स, ये देखिए अगर नहीं जहन में आ रहा तो फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, यहां पे क्या लिखा है डबल एंगल विद 10 मिलीमीटर थिक गजर प्लेट एंड बोल्टेड स्टेप प्लेट, ये डिजाइन करना है, स्टेप प्लेट बोल्टेड है, जब बोल्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं उसमें, अब उसमें क्या करेंगे उसकी चूड़ी टाइट करेंगे, जब चूड़ी टाइट वो बन जाएगा स्नग टाइट, स्नग टाइट, ठीक हो गया। However, considering snug tight stay plates, double angle 102.89.9.5 may ultimately be the final result. वो कहता ठीक है, हम काम इसी पे कर रहे हैं। वो कहता लेकिन जो अगली ट्रायल ली हुई है ना सेफ वो होगा, ये इस सेंटेंस को अभी आप छोड़ दें, अभी आप इस पर काम करें, ट्रायल सेक्शन वन पे काम करें, सेफ होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर आएंगे पीछे।